जी नमस्ते. नमस्ते. सब त्योहार तो खत्म हो गया, अब क्या क्रिसमस की वर्गनी लेने आए हो? नहीं नहीं, मैं जया हूँ, ये मेरी बहन सुषमा. हम वो सामने वाले घर में ही रहते हैं. प्रेमचंद जी की बहू हूँ मैं. अच्छा, उजाड़िया की बहू है तू? और वो चिकना तेरा नवरा है क्या? हाँ, वो दीपक ने आपको बताया होगा. उस फेकू का नाम नहीं लेने का, मेरे को बहुत गुस्सा आता है. क्या काम है, सीधा सीधा बोलो. अरे तनिक इज्जत से बात क्या करिए दीपक के बारे में. कितना संस्कारी है, कितना महान है, ये मत भूलिए. हमारी और आपकी शादी उसी की वजह से हुई थी. अरे उल्टा तो हमको उसकी शादी करवानी चाहिए ऐसी किसी सुंदर लड़की के साथ. ए भाई को इतना बोलती काय को? हाँ तुम बोलो ना, क्या काम है? आपकी इंटरकास्ट मैरिज हुई है? हाँ हुई है, इसके लिए आरती उतरने को आई है. नहीं नहीं. तो वो आपकी एक बेटी है ना? इसके लिए आई आरती उतरने को? नहीं. तो वो मैंने कुमारिका का व्रत रखा है ना? हाँ. इसीलिए मैं आपको पूछना चाहती थी कि क्या आप अपनी बेटी को 1 बजे हमारे घर भेज देंगे? हाँ ठीक है, भेज देगा, लेकिन टाइम पे वापस भेज देने का मेरे घर पे मेरी बेटी को. हाँ हाँ, पक्का पक्का. ठीक है. और वो कुमकुम लगाना था. हाँ तो लगाओ ना. ए घूंगर बेटा. अरे कुमकुम माथे पे नहीं, चौखट पे लगाना है कुमकुम. आपको कैसे पता? अरे ये प्रथा है, बहुत जमाने से चलता आ रहा है. हमारे जमाने में भी ऐसे हम व्रत रखते थे. ठीक है ठीक है, तेरा जमाना गया, इसका जमाना भी चालू है. चल हट. चौकट पे लगाने का ना, इधर ही बाहर से जो इधर आना चलना. इधर लगा लो, इधर बाहर से कर लो सब, अंदर बहुत पसारा है. चल जल्दी. अब किसके घर जाना है? रमनिक भाई के घर. अच्छा. ए भैया लो. अब मेहमानों को रास्ते में जाते हुए गन्ने का जूस पिलाते जाना. हाँ जी. ये अरे गन्ने का जूस मशीन ऐसे ही होता है ना? हाँ हाँ जी. दीप दीप शिका भोजाई, हम पिला देंगे इनको गन्ने का जूस. हाँ हाँ ठीक. हाँ जी. नमस्ते. 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 चले. दूसरे दिन रात का कोई ऐसी औरत होती है क्या कभी कोई? अरे तो क्या करता, एन वक्त माल पानी जी कल्टी मार गई और मुझे समय बचाने के लिए इसी गेटअप में साड़ी पहन के आना पड़ा. और क्या है तू? क्या भाभी जी से इतनी बदतमीजी में क्यों बात कर रही थी तू? ए अगर उनसे ऐसी बदतमीजी में बात नहीं करती ना तो वो अंदर चले जाती. बाहर से कल्टा दिया ना मैंने उनको. और ये सब छोड़, तेरे पास टाइम नहीं है, चल जा जल्दी तैयार हो. चल चल चल. हां बोलो, पहुंच जाएंगे. कटले कटले. आइए आइए आइए. हां है ना रंजन जी? जी. वो कहाँ है? कौन कहाँ है? क्या खेती बाड़ी करने वाला? हाँ हाँ. वो कहाँ है? नहीं मैंने आपको पूछा. मैं जय से पूछ रहा था, कहाँ है बेटा? हाँ अभी तक तो आ जाना चाहिए था. वो रहा. आ गया. पूरा चिट्टा काका खेत में रह के भी. गुड मॉर्निंग सर. वेलकम वेलकम. हाउ इज योर जर्नी? रमजन जी. जी. ये कौन है? कौन है? नहीं मैंने आपको पूछा. नहीं मैं जैसे पूछ रहा हूँ, कौन है बेटा? यही तो है जो हमारे खेत की देखभाल करते हैं ना पिताजी. बाबा यही है वो. क्या नाम बताया इसका? बताया नहीं अभी तक. तो फिर बताओ. बताना है. अरे पड़ेगा ना बेटा, ऐसे कैसे. अरे बेटे नाम क्या है तुम्हारा? माय नेम इज राम. क्या? राम बसेसर. व्हाट? राम बसेरा? हाँ काका, इनको तो अपना नाम भी ठीक से बोलना नहीं आता है. सुधाकर, कुछ लोगों को बर स बोलने में जरा तकलीफ होती है. इसको बेचारे को वही तकलीफ है. हाँ? बोल बसेसर. बसेसर. देखो दे, दे, देखो. लेकिन प्रेमचंद जी. जी. ये अंग्रेजी बोलने वाला किसान खेती बाड़ी कैसे करता होगा? हाँ कैसे करता होगा? नहीं नहीं मैंने आपको पूछा. मैं जय से पूछ, कैसे करता होगा बेटा? इन्होंने खेती अंग्रेजी में सीखी है बाबा. हाँ हाँ, इसलिए ये पढ़े लिखे किसान हैं. और बाबा आजकल हमारे देश को ऐसे ही तो होनहार किसान चाहिए जैसे कि राम बसेसर. जय जवान जय किसान. काका हमारे विनोद भाव कामड़े, वो भी तो पढ़े लिखे किसान है ना काका? अरे हाँ.
काका भूल गए, हमें यहाँ पहुँच के उनको फोन करना था। अरे अच्छा हो गया तुमने याद दिलाया, अभी विनोद को फोन लगाता हूँ। अरे वो डांडी नहीं है। हाँ ये खेत है ना, खेत में कहाँ से डांडी आएगी। ए मैं देखो ये साइड देखो ना, देखा देखा ये फिर से बोर्ड की तरफ क्यों जा रहे हैं? अरे डैड टेंशन मत लो ना, वो बोर्ड तो ढका हुआ है, इसका टेंशन लो। ये अंग्रेजी में कौन बात करता है? किसान किसान अंग्रेजी में बोलता है? इडियट। सुषमा दीदी, आप लोगों ने गन्ने का जूस क्यों नहीं पिया? अभी तो पिया था थोड़ी देर पहले। जय भाभी, रमनिक भाई का घर ये नहीं वो है। ठीक है। आंटी नमस्ते। आयो रामा, वड़कम। नमस्ते जी, मैं जया, ये मेरी बहन सुषमा। एंड माई सेल्फ विजय लक्ष्मी राधा कृष्ण श्री देवी विजय गोपालन भिल्लाए। जी आप जी आप ये रमणिक दे? वो रमणिक? ये साउथ इंडियन कौन है? इसे हटाना पड़ेगा वरना प्लान चौपट हो जाएगा दीपक। वो रमणिक? एक मिनट, तुम मेरे घर के सामने क्या कर रही हो? कौन आ रहा? ये मेरा घर है, दरवाजा खोल के दिखाऊं किसका घर है। दरवाजा खोला ना तो घर का घर बालकनी का बालकनी हो जाएगा, समझा रमणिक? बाय द वे हेलो मिस मालपानी। समझ गया रमणिक बाय द वे। ये भी बाय द वे? हाँ रमणिक बाय द वे, मेरी मिसेज है, मेरी बीवी है रमणिक बाय द वे। अच्छा आपने अपनी बीवी को नहीं पहचाना? हाँ वो क्या है ना, उसने चश्मा नहीं लगाया ना इसलिए मैंने नहीं पहचाना। जब चश्मा लगाती है ना तो सब याद आ जाता है। अच्छा चश्मा लगाने से इन्हें सब याद आ जाता है? हाँ ये जब चश्मा पहनती है ना तो मेरे को याद आ जाता है कि मेरी बीवी है ये, क्योंकि इसकी एक जुड़वा बहन है जो चश्मा नहीं लगाती और ये चश्मा लगाती है, तो एक चश्मा लगाती है एक नहीं लगाती। आप समझ गए कि मैं आपको और भी आगे बताऊँ? नहीं नहीं समझ गए। आइयो रमणिक स्वामी, तुम पराई औरत से क्या बात करते है? वो इसी कौन है ये? मेरे को तो पूछ रहे थे, मैं भी वही पूछ रहा हूँ, कौन है आप लोग? जी मैं जया, ये सुषमा। तो जो साबुन के एड में आती है ना जया और सुषमा, हेमा की जो रे हेमा? नहीं नहीं वो नहीं। बताइए कैसे आना हुआ हो? दीपक ने आपको बताया होगा ना? हाँ दीपक ने मुझे बताया था कि कन्या भोजन के लिए आपको कन्या चाहिए थी, तो टेंशन की बात नहीं है, रूपा और उषा आपके घर पे पहुँच जाएंगी। हो जी, और वो कुमकुम भी लगाना था। हाँ तो लगाइए ना, मैंने कहा मना किया, लगाइए। नहीं नहीं आपको नहीं, वो घर की चौखट को लगाना था। ये रंगोली पर लगा दो। हाँ लगा दीजिए रंगोली पे। हो वैसे आंटी आपने तो बहुत अच्छी रंगोली बनाई है, कहाँ से सीखी आपने? बताती हूँ आओ दिखाती हूँ। जी फिर कभी, हमें ना घर जाके वापस खाना बनाना है, तो फिर आप लड़कियों को ना 1 बजे भेज दीजिएगा। हाँ आप टेंशन मत लीजिए, 1 बजे हम भेज देंगे रूपा और उषा को, है ना? आप जाइए। जी जय श्री कृष्ण। वणक्कम। हाँ जय श्री कृष्ण। मिस मालपानी आपको बताना चाहिए आप ये बन क्या रहे हो, और वैसे भी आपको छोटा रोल नहीं करना था ना, तो क्यों चली गई आप? बताती हूँ बताती। अरे क्या बताती हूँ, हट बताती हूँ बताती। जय हो। आ इधर मिल गया सर। वो मेरा नाम क्या था? बंसर। बस्कर। बस्कर नहीं नहीं कुछ और था सर। सर आप भी भूल गए। राम पसे सर, अब बस कर, हो गया ना उस बात को, भूल जा, अब जा। रुक 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 जा रुक जा। अरे रुक क्यों गया? बिग बॉस ने बोला। अरे जा। अरे रुक 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 रुक। सर रुकूं कि जाऊं?
सर पर्दा अगर गिर गया ना तो भेद खुल जाएगा बेटा और हम उठ जाएंगे पर्दा गिर रहा है सर इट्स फॉलिंग बच गए सुन पीछे जा और जैसे ही लोखंड जी की नजर नहीं होगी ना तभी पीछे से रस्सी खींच ले ठीक है समझ में आया अरे समझ गया तो फिर जाना चलो ओके सर ये मैं लोखंड जी की मुर्गी को संभालता हूँ कहीं ये यहाँ आ गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे तू उनको संभाल ले अरे सुधाकर क्या कर रहे हो बस ऐसे ही पत्थर फेंक रहा था खेल रहा था मैं अच्छा क्या हो गया बेटा गर्मी है ना बाबा शुक्रिया शुक्रिया अरे रुको जरा रुको इसीलिए पानी लेकर आया वो काका की फोन पे बात खत्म हो गई अरे नहीं नहीं करने दो बात उनको आओ मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ आप खेलेंगे देखिए ये पत्थर है ना ऐसे दूर फेंकने का जिसका पत्थर दूर जाएगा ना वो जीत गया ला मुझे एक पत्थर दे फेंक अरे वाह 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 हाँ बोलो क्या हो गया बहुत धूप है ना बाबा वहाँ छाव है वहाँ देखो वहाँ चल के बैठे अरे नहीं बेटे वहाँ वो दांडी नहीं आती है वो जो नेटवर्क की दांडी होती है ना वो वहाँ आती नहीं है तो यही ठीक है मैं बात करता हूँ बाद में आता हूँ देखो बेटे काम करो मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तुम छाव में जाके बैठो मैं फोन पे बात करूंगा बाद में आता हूँ हाँ हाँ बहुत नजदीक गया अब आप में ना वो पहले वाली ताकत नहीं है तूने मेरी पहले की ताकत देखी थी क्या जो पहले वाली ताकत नहीं है ओ, चाचा जी आपकी उम्र हो गई राइट अरे जाजा उम्र तेरी हो गई है मेरी उम्र नहीं हुई है ला पत्थर दे देख कितनी दूर जाता है खेत के बाहर नहीं फेंका तो देखना अब देख संभाल के बाद में बात करता हूँ क्या हो गया देखो आई होप कि डैड ठीक हो क्या हुआ सुधाकर क्या हो गया गेम खेल रहे थे ना उसमें उनका पैर इधर नीचे लग गया तूने उकसाया होगा तू जानता है ना इनका पैर ठीक नहीं है लेकिन काका चुप बैठ हमेशा कुछ ना कुछ करते रहता है तू लेकिन काका मैं चुप बैठ अरे प्रेमचंद जी वो आपको तीक्ष्ण मोच नहीं नहीं वो क्या है कि ये पत्थर था क्या अरे सुधाकर जरा इनको पकड़ो काका छोटे छोटे पत्थर फेंकने का खेल खेलते हैं इतना बड़ा पत्थर फेंकता है तो अरे काका ये पत्थर फेंकने चुप बैठ काका लाइए वो पक्का ना आप ठीक तो है ना हाँ बेटर बेटा बेटर सुधाकर जी भी ना अभी भी मैं अपने काम कान पकड़ता हूँ आज के बाद में प्रेमचंद जी के साथ नहीं खेलूंगा के साथ नहीं खेलेगा हाँ ठीक है भाभी वो ना पानी पीने के लिए आया था तो अच्छा हुआ तुम आ गए दीपक जरा ये सब्जी को करछी से घुमा दो ना मैं बस 2 मिनट में आती हूँ जी भाभी हाँ यार ये तो हमेशा सपने में होता रहता है कहीं ये सपना तो नहीं एक मिनट चेक करता हूँ आपकी उंगली जल गई
ध्यान किधर रहता है आपका? सच बताओ तुम पर मुझे सब पता है, आप है ना दिन रात बस मेरे ही सपने देखते रहते। हाइला, तुम्हें कैसे पता? पता है, पूरा दिन ना हिचकी खा खा कर मेरी तो जान ही निकल जाती है। सच कहूं तुम मेरे साथ रहा करो, हिचकी आएगी ही नहीं। तो हूँ ना, अभी मैं आप ही के साथ ही तो हूँ। फिर भी पता नहीं क्यों मुझे ये सपने ऐसा क्यों लग रहा है। आपको ये सपना लग रहा है तो मैं चींटी काटूं? पता है सपना नहीं है, लेकिन चींटी काटूं मजा आएगा। उधर काय को तू ताका जाके कर रहा था और तूने काम किया अपना? अरे कौन सा काम? और देख तो काम भी भूल गया, काम भी भूल गया, वो बच्चे आने वाले थी भूल गया। अरे हाँ तो आ जाएंगे ना, उसमें क्या है? उसमें क्या क्यों मतलब कब आएगी बच्चियाँ? हाँ एक बज गए लेना। हाँ मुझे ही पता एक बज गए। तो हाइला मैं अब भी मिश्रा से बात करता हूँ। कर क्या बात करेगा मिश्रा से तू? अरे फोन तो निकाल ले तो चाची। निकालना। ए मिश्रा कहाँ है तू? तेरे साथ फोन पे है। तू कहाँ है? अरे एक बज गए बेटा, बच्चियाँ अभी तक आई क्यों नहीं? क्या बैड न्यूज है? नहीं नहीं तू वहीं रह, मैं आता हूँ। तू वहीं रह, मैं आता हूँ, ठीक है? मैं करता हूँ यार। गड़बड़ नहीं होना चाहिए। नहीं होगा यार, मैं हूँ ना। मैंने दीपक। अरे हाँ भाभी। दीपक एक बज गया, अब तक लड़कियाँ नहीं आई, क्या करे? फिर से जाकर उनको बुलाकर आए क्या? हाँ जाओ, पर अभी नहीं, हमारे जाने के बाद, वरना तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। कोई नहीं मिलेगा मतलब? मतलब माँ का बोलने का मतलब है कि क्या पता वो लड़की अपने माँ बाप के साथ ही घूमने ना निकल गई हो, तो पहले हम जाकर देख कर आते हैं, फिर आप लोग जाना। हाँ चलो। नहीं कोई कहीं नहीं जाएगा, मैं जाता हूँ, आप लोग जाइए, मैं जाता हूँ। दीदी मॉल पानी। अरे मिश्रा क्या बैड न्यूज है भैया, बटुआ नहीं मिल रहा है, यहाँ बेटियां नहीं मिल रही, तुझे बटुआ की पड़ी है? बच्चिया कहाँ है? स्कूल में। लेकर के नहीं आया? अरे स्कूल वाले छोड़ नहीं रहे। अरे यार क्यों? कह रहे कि स्कूल का टाइम खत्म नहीं हुआ ना। अरे यार ये स्कूल है कि जेल है कि वक्त से पहले छोड़ते नहीं है। जेलर से बात हुई? मतलब प्रिंसिपल से बात हुई? हाँ जमानत मांगी, मेरा मतलब इजाजत मांगी थी, पर उन्होंने बोला कि मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि बच्चियों का बाप मैं ही हूँ। अरे हाँ तो बच्चियों को बुलाकर पूछ लेते कि तू ही उनका बाप है। बोला था भैया, पर उन्होंने कहा कि आईडी प्रूफ दिखाओ, जो बच्चियों के नाम के साथ पंकज मिश्रा जुड़ा है वो मैं ही हूँ। अरे तो आईडी प्रूफ दिखा देता ना। कैसे दिखा देता, बटुआ नहीं मिल रहा है, यही तो बैड न्यूज है। अरे मिश्रे आज ही के दिन तुझे बटुआ घुमाना था, अब मुझे ही बच्चियों को लाना पड़ेगा। भैया आपके पास बटुआ है? हाँ है, पर बच्चियाँ आपको थोड़ी देंगे, आप थोड़ी बच्चियों के बाप है। देंगी क्योंकि तू भी मेरे साथ चल रहा है, इसलिए अभी चल चल बच्चियाँ लाते, चल चल। राम ध्यान से सुन, लोखंड जी तुझे फसल के बारे में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, जल्दी जाओ और इंटरनेट पे थोड़ा पढ़ के उसके बारे में जा। इंटरनेट इंटरनेट बेटा। श्योर सर, आई विल शो मिस्टर लोखंडे दैट इवन इंग्लिश स्पीकिंग पीपल कैन डू फार्मिंग। अरे थोड़ा हिंदी बोल ले मेरे भाई। ओके सर। हाँ ये राम बसेज सर को देखकर ऐसे नहीं लग रहा है जैसे दाल खिचड़ी में थोड़ा सा पास्ता गिर गया। एक पूरा सेंटेंस उसने हिंदी में अभी तक नहीं बोला। तुझे और कोई नहीं मिला बेटा? अरे डैड और कोई ऑप्शन था ही नहीं। अब ये भी देखो हम दोनों भी कहाँ हिंदी में बात कर रहे हैं, आपने सेंटेंस बोला मैंने ऑप्शन बोला, फिर क्या होगा हमारा? वैसे ऑप्शन का हिंदी में क्या होता है? ऑप्शन जी, कितनी अच्छी जमीन पर आपका ये खेत है, कुदरत के करीब और शुद्ध हवा के बीच में, लेकिन एक शिकायत है। शिकायत? ऐसे सर नाम के गधे के हाथ में आपने ये खेत को सौंपा है, दूसरा कोई विकल्प नहीं था क्या? विकल्प यही तो नहीं मिल रहा था। इसका मतलब इस गधे के लिए कोई विकल्प मिला नहीं इसलिए आप इसको सहन कर रहे हैं क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो बहुत खुश हैं राम से। बात बात। अरे आज के जमाने में ऐसा पढ़ा लिखा किसान कहाँ मिलेगा किसको? ऐसा पढ़ा लिखा है ये उल्लू का पट्टा है, आप मालिक है, आप सवाल पूछने चाहिए, उल्टा यही सवाल पूछता है आपको, अंग्रेजी बोलता है, ऐसा होता है क्या? काका आप ही क्यों कुछ सवाल नहीं पूछ लेते, इन लोग को भी समझ में आ जाएगा और उसे भी। अरे हाँ अगर आपकी इजाजत है तो कुछ सवाल पूछूं मैं?
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.